बसमिल्लर अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू आई एम योर साइंस टीचर मिस फ़रदाना ख़ुर्शीद आई विल एक्सप्लेन यूनिट नंबर फ़ाइव एंड टॉपिक इज एनिमल्स स्टूडेंट्स आज हम अपना यूनिट नंबर फ़ाइव एनिमल्स स्टडी करेंगे हमारी ज़मीन पर मुख्तफ अक्साम के एनिमल्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ तरीकों से ज़िंदगी गुजारते हैं कुछ एनिमल्स खुश्की पर रहते हैं जैसे कि काव शेप लोइन, एलिफेंट वग़ैरह कुछ जानवर पानी में रहते हैं जैसे कि वेल शार्क डॉल्फिन वग़ैरह कुछ ग्रास पर रहते हैं जैसे इंसेक्ट्स और कुछ उड़ते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं जैसे कि बर्ड्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इन्हें रहने में अपना खाना तलाश करने में और इन्हें मूव करने में मदद देते हैं स्टूडेंट्स अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर थर्टी थ्री देखें स्टूडेंट्स अब हम कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे नंबर वन हम आम तौर पर यह कहा जाता है कि कैमल यानि के ऊँट के हम्प जिसको कोहान भी कहते हैं इसमें फ़ूड और वाटर स्टोर होता है लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है बल्कि कैमल के हम्प में फैटी टिशू होते हैं जब कैमल को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है या किसी वजह से ये अवेलेबल नहीं होता है तो कैमल फैटी टिशू को इस्तेमाल करते हुए इससे एनर्जी हासिल करता है और अपनी गजा की ज़रूरत को पूरी कर लेता है नंबर टू लॉन्ग शार्प टीथ कुछ एनिमल्स के लंबे तेज़ नोकदार दांत होते हैं ताकि वो गोश्त वगैरह खा सकें मिसाल के तौर पर लाइन जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं नंबर थ्री वेव फिट डक्स और फ्रॉक्स के फेब फीट होते हैं जिनकी मदद से वो तैरते हैं नंबर फोर लॉन्ग नेक जर्राफ के जर्राफ के लॉन्ग नेक होती है जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं जर्राफ की लॉन्ग नेक होती है जो इन्हें ऊंचे-ऊंचे ट्रीज के लीव्स खाने में मदद देती है नंबर फाइव विंग्स बर्ड्स के विंग्स होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ते हैं बर्ड्स के बीक यानी चोंच इन्हें इंसेक्ट्स ग्रीन और सीड्स वगैरह ग्रेन और सीड्स वगैरह पकड़ने में और खाने में मदद देती हैं वाइल्ड एनिमल्स स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर को कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स जंगलात में रहते हैं इन में से कुछ प्लांट्स को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ एनिमल्स को शिकार करके फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर लाइन टाइगर एंड चीता वगैरह इसके वेंजर्स इसके वेंजर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो डेड एनिमल्स की बॉडीज़ को ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाइना वल्चर वाइल्ड डॉग रिव्यू स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है रिव्यू कर लेते हैं नंबर वन आज हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा है नंबर टू एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीक में मिलेंगे इनशाला इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज